अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 7.5 स्टार्ट करनी है हमने इस लेक्चर में। देखो 7.5 का टॉपिक थोड़े मुश्किल है, लेकिन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 7.4 अपलोड करने से पहले मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, उसमें मैंने डिटेल में प्रोबेबिलिटी के एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सही वर्ड रहेगा, तो ये सब डिपेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब ये सब मैं बातें उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। सब पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए थे, अभी जस्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप उन लेक्चर्स को देख लेना, आपको मिल जाएंगे। प्रोबेबली 253-254 ऐसे कोई लेक्चर है, आप देख लेना उनको। 7.5 यार एक मुश्किल एक्सरसाइज है समझने के लिए, करने के लिए काफी ईजी है। सॉल्यूशन अगर मैं कर दूं तो बड़ा ईजी होगा वो, लेकिन जो बच्चे बैठे में अगर वो ये सोचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, फिर बेचारे फंस जाएंगे वो। या तो ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको सॉल्यूशन चाहिए स्टेप, अच्छा इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना, अच्छा ये करना होगा तो उसके बाद हम ये करते हैं, क्यों करते हैं, आई डोंट नो, इस तरह करना, उस तरह करना, हाँ हो गया, दैट्स इट। ऐसे वाले बच्चे उनको समझ आ जाएगी, लेकिन जो बच्चे मेरे जैसे होंगे क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो फंस जाएंगे 7.5 के अंदर। तो दैट्स व्हाई मुझे समझाना काफी पड़ेगा, मेरा आप लोगों को पता है टीचिंग का स्टाइल यही है, तो मेरे लिए काफी मुश्किल होगा समझाना। मैं पहले के फिगर आउट भी कर रहा था, अच्छा इस तरह बताऊंगा तब बच्चों को समझ आ जाएगी, क्योंकि देखो उस तरह तो नहीं पढ़ाना ना जैसे वो 8.1 आमतौर पर टीचर्स पढ़ाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर n इक्वल टू k पुट करेंगे, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे पता नहीं, मतलब ये नहीं आपको बताता। तो स्टूडेंट एक रिसेंटली स्टूडेंट के जहन में भी आया था, बच्चा मुझसे पूछा सर n इक्वल टू 2 पे हम क्यों नहीं निकालते, n इक्वल टू 1 पे क्यों निकालते। तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जहन में आते हैं कि सर क्यों हम ये काम नहीं कर रहे। तो क्यों आपको इसको समझ आएगा जब आपको 1 का कॉन्सेप्ट पता है, आप n इक्वल टू 1 का आपको नहीं पता, n इक्वल टू 2 पे आप सोचोगे बैठ के n इक्वल टू 2 पे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे सवाल आपके जहन में आते हैं। फिर तो यार हमारे तो मैट्रिक में भी टीचर थे, नाम मैंने लूंगा, मैं उनको अच्छा टीचर नहीं समझता था, क्योंकि एक तो पढ़ाते से नहीं थे वो काइंड ऑफ लाइक, और असल मसला उनका यह था कि वो मतलब पता नहीं क्या उनसे गिरते कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन असल मसला यह था कि वो माहौल अच्छा नहीं बना सकते। उनकी क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ऐसे माहौल में थोड़ा ना पढ़ा जाता। एक अच्छा टीचर वो होता है कि टीचिंग के साथ साथ क्लास को मैनेज करना भी आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग करने का तरीका आना चाहिए, क्लास को मैनेज करना आना चाहिए, सब चीजें एक अच्छा टीचर बनाती है। सिर्फ टीचर ये नहीं है कि आपने बच्ची पढ़ ली आपको आता है तो बस आप खड़े हो जाओ आप अच्छे टीचर बन गए, समझाने का एक आर्ट होता है पूरा, ये अलग चीज है पूरी। और उनका एक मशहूर डायलॉग भी था जो मेरे स्कूल में जो स्कूल फ्रेंड है वो मुझे देख रहा होगा तो पहचान जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ, उनसे बोलो सर क्यों ऐसा होगा, कहते हैं क्यों नहीं पूछते, क्यों का मतलब लड़ाई होता है। तो बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ये की जाती है क्यों नहीं पूछना, आप तभी बचपन में सवाल पूछते हैं, बड़ों के हमारे अंदर सवाल पूछने की ताकत खत्म हो चुकी होती है, हम हर चीजों को बस समझ लेते हैं कि यार ये है बस, क्यों पे नहीं हम जाते, क्यों है ये बस है यार इस पे। बहरहाल मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ मोस्ट वेलकम, क्यों पूछो। फायदा होता है कि मैं सीखता हूँ, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुझसे यूट्यूब पर स्टूडेंट काफी सवाल पूछते हैं जो कि मुझे नहीं आ रहे होते, मैं या तो खुद फिगर आउट करता हूँ या सर्च करता हूँ तो चीज सीख जाता हूँ, तो सबसे बड़ा फायदा तो टीचर को होता है। लेकिन हमारे यहाँ बस असल मसला है कि वो एडमिट करते हुए शर्म आती है कि यार बोलेंगे टीचर को नहीं आता तो लगेगा पता नहीं क्या हो गया, भाई टीचर को क्यों नहीं आ सकता यार, टीचर मतलब क्या है, उसको दुनिया की हर चीज पता है क्या। एक फील्ड होती है ना, एक फील्ड मैथ की फील्ड, इसका मतलब थोड़ा ना कि पूरा आपने हासिल कर लिया नॉलेज, रहते हैं पार्ट, डेफिनेटली हर चीज हरे को नहीं पता होती, तो एडमिट कर लेना चाहिए, नहीं पता कल बता दूंगा, कुछ शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट के जहन में भी ऐसा टीचर नहीं इंप्रेशन बनाया, मैं ऐसे इंप्रेशन बनाया मैं कि यार मतलब हम बहुत कुछ है, हमें सब कुछ आता है, तो फिर जब ऐसा इंप्रेशन बनाओगे तो फिर आप नीचे नहीं आ पाओगे, फिर जब आपको नहीं आएगा तो फिर आप ये नहीं बोलोगे नहीं आता, फिर आप टोपियां करा रहे होगे। तो ये खैर पत्नी में कहां पे निकल गया, 7.5 स्टार्ट करनी थी। 7.5 यार इंशाल्लाह मिलके हेल्प करेंगे, हेल्प कर देना आप लोग अगर मैं कहीं फंसूं तो। 7.5 के अंदर ना यार मैंने अगर क्लासिफिकेशन करूं ना तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि कार्ड से रिलेटेड हैं या डाइस से रिलेटेड हैं, थोड़े इजी इजी सवाल हैं, समझाने में भी थोड़े इजी हैं, तो मैंने कहा वो पहले मैं करवा देता हूं, उसके बाद कुछ पक्के किस्म के वर्ड प्रॉब्लम है उन पर हम आ जाएंगे। मेन टॉपिक इसके अंदर क्या है, मैंने थ्योरी में आप लोग से डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, वो ये था कि यार आपको पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। यूनियन आप उस वक्त यूज करते हो ए यूनियन बी, फॉर एग्जांपल इवेंट ए है इवेंट बी है और आप ए यूनियन बी मालूम करते हो, तो उसका मतलब ये होता है जब आपको आइदर बोला जाए, ये आइदर की वर्डिंग अपने पास नोट कर लो कि आइदर ए और बी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि आपको इवेंट ए परफॉर्म करना है या इवेंट बी परफॉर्म करना है, मतलब दोनों एक साथ ना हो, तो तब आप और यूज करते हो, और का मैथमेटिकल सिंबल यूनियन है। और आप एंड उस वक्त यूज करते हो जब आपको बोला जाएगा दोनों इवेंट आपने परफॉर्म करने हैं,
इवेंट ए एंड इवेंट बी आपको परफॉर्म करना, तो आप इंटरसेक्शन यूज करते हो। यूनियन में आपने दो केस पढ़े थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो यूनियन किसके बराबर होगा, ए प्लस बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, इसके कितने तरीके हैं यार, अगर तो आपको पता चल जाए कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो बहुत आसान तरीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको पता चले कि इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर जो डाटा गिवन होता है उसे आप आसानी से निकाल लेते हो। जब सवाल आएंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि यार डिपेंडेंट है यहाँ पे ये, लेकिन हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट हो फिर तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लेते हो। पता कैसे चलता है, तो ये सब बातें जो है ना, मैं क्वेश्चन जब आएंगे उस वक्त मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, अभी भी मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ यार, बहुत बातें होगी। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ फाइंड द चांस जो भी और ड्राइंग अ 5 और अ 4 और आ गया जीनियन आएगा 5 और 4 इन अ थ्रो ऑफ अ डाई हुज फेसेस आर नंबर 1 to 6। हमें पता है कि डाई जो होती है उर्दू में जिसको हम छक्का कहते हैं लूडो में खेलते जो है उसके 6 फेसेस है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस की बात करते हैं, तो आपको पता है सैंपल स्पेस के अंदर यही आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो सैंपल स्पेस आप लिस्ट कर सकते हो बेहतर है लिस्ट कर लो ताकि आपको आसानी होती है। 7.4 में भी जो लिस्ट करने वाले थे मैंने करवा दिए, कहीं शायद मैं भूल ना गया हूं, लेकिन जो भी सैंपल स्पेस आप लिस्ट कर सकते हो ना, ये हो गया या कॉइन आप टॉस करते हो, लाइक लिस्ट कर लो तो ज्यादा आपको आसानी होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस के अंदर, भाई 6 एलिमेंट है सैंपल स्पेस के अंदर। अब करना क्या, आपको दो इवेंट का जिक्र किया है, एक इवेंट है ड्रॉइंग अ 5 और एक इवेंट है ड्रॉइंग अ 4, और इसकी आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जरा सवाल को समझो, सवाल ये है कि अगर आपके पास एक डाई आपने फेंका और उसके ऊपर 4 आ गया, ये इवेंट नंबर 1 है, आपने डाई फेंका उसके ऊपर 5 आ गया, ये इवेंट नंबर 2 है। वो बोल रहे हैं कि चांसेस बताओ कि जब मैं डाई फेंकूं तो या तो इवेंट ए आ जाए या इवेंट बी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल या तो 4 आ जाए या 5 आ जाए, पहली बात और आ गया यहां पर, इसका मतलब या वाला केस है, उर्दू में या कहते हो, या ए आ जाए या मतलब 4 आ जाए या 5 आ जाए। दूसरी बात आपने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये एक साथ तो हो ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल है डायरेक्ट उनका 4 भी आ गया 5 भी आ गया, नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपके जहन में भी आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और यूनियन का केस है तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है ना आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए अभी तक कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि और का केस है साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट्स व्हाई फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो उसके लिए आपको देखो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता होने से पहले आपको होना चाहिए कि उनके अंदर कितने कितने केसेस फेवरेबल हैं। तो आप थोड़ा डाटा बना लो, फॉर एग्जांपल आप लेट कर लो, लेट ए जो है वो है ड्रॉइंग ऑफ 4 कर लेते हैं हम सिंपल, क्या आपके पास 4 आ रहा है, और बी जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं और इसके आगे लिख भी दो कि जब इसको आप लिखोगे इसको एक ही केस फेवर कर रहा है, 4 एक ही तरीके से आ सकते हैं जब आप डाई को फेंकोगे, कोई और तरीका नहीं है। हाँ अगर मैं बोलता कि इवन नंबर तो मुझे पता है इवन नंबर 3 तरीकों से आ सकता है 2 4 6, लेकिन 4 जो है बेचारा एक ही तरीके से आ सकता है। इसी तरह बी को कहते हो कि इवेंट है जिसमें ड्राइंग आ 5 कि आपके पास 5 आ रहा है और इसको एक ही केस फेवर कर रहा है, ये ए और बी आपने डिफाइन कर लिया। तो आपने दो चीजें सीखी यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो जब दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है सैंपल स्पेस सेम है तो भाई प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी दोनों की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और होगी क्या नंबर ऑफ कोई भी यूज कर लो, फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या नंबर ऑफ एलिमेंट बी ऊपर कुछ भी आ सकता है दोनों 1 ही है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस होगा, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या है 1/6 है, ये आपने देख लिया। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब सवाल ये है कि आप निकालो, जो आपको निकालना है कि क्या चांसेस हैं कि जब मैं डाई फेंकूं मेरे पास इवेंट ए आ जाए और इवेंट बी हो जाए, मतलब या तो इवेंट ए सेटिस्फाई हो जाए या इवेंट बी सेटिस्फाई हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी ए और बी इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां पे लिख दो सिंस, अगर आप ऊपर लिखना चाह रहे हो यहां पे मेंशन कर दो सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई यहां पे मैंने नीचे वो वाली टर्म लिखी नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो यहां वाली टर्म जो है वो होगी नहीं। ठीक है, या आप इस वाली चीज को यहां पे लिख के कैंसिल करके जीरो लिख देते हैं, ये बात भी सही है। दोनों तरीके से आप बता सकते हो भाई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो कुछ कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? अच्छा, ए और बी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, मर्जी है आपकी, इस तरह भी लिख लो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/6, बी की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/6, ये हो जाएगा 6 एलसीएम आ गया, 1+1, ये हो जाएगा 2/6। सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आंसर इसका आ जाएगा 1/3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी और ये आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नंबर से रिलेटेड है, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है ईच ऑफ द नंबर 1 through 20 इज रिटन ऑन अ सेपरेट कार्ड एंड प्लेस इन अ बॉक्स। कि आपके पास टोटल 20 कार्ड है, 1 से आपने स्टार्ट किया, एक कार्ड पे 1 लिखा हुआ है, एक कार्ड पे 2 लिखा हुआ है, 3 up to 20 लिखा हुआ है कार्ड पे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 में सैंपल स्पेस बनाना चाहूं तो जो कार्ड है वो 1 से स्टार्ट हुए हैं, 2 होगा, 3 होगा, अप टू कहां तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे। तो ये सैंपल स्पेस है भाई, 20 कार्ड है, सबके ऊपर 1 से लेके 20 तक नंबर लिखा हुआ है। इफ अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कि एक कार्ड को आपने ड्रॉ किया है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मैं लिख दो यहां पे कि सिंगल कार्ड, या पहले इसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो बताओ, इसके इस सैंपल स्पेस जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 20 होंगे भाई। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम भी लिख देते हैं, ठीक है। पार्ट 1 क्या है, एन ऑड और आ प्राइम नंबर। अगेन बच्चों ये चीज अपने जहन में क्लियर कर लो, जब भी वर्ड और का आ गया तो समझ जाओ यूनियन की बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको हर बंदा बताएगा, इसको याद रख लो कि और जो है वो यूनियन है, क्योंकि वंस आपको पता चलता है यूनियन है उसके बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर आप देख सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं है क्या है सब देख सकते हो। तो ये और की वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, यहां पे और आ गया यहां पे इसका मतलब या तो ये कर लो या वो कर लो, ठीक है। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बता रही, तो कैसे बताओगे, सबसे पहले इस इवेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और नंबर प्राइम नंबर, इसके अंदर कितने आउटकम आ रहे हैं, क्या सीन है पूरा। तो फॉर एग्जांपल लेट ए जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं और नंबर, तो 1 से लेकर 20 तक मतलब ये कार्ड है ना, आपको कार्ड उठाने, कंसिडर कर लो एक बॉक्स है उसके अंदर 20 कार्ड रखे हुए हैं, आपको कार्ड उठाने हैं। क्या चांसेस है कि आपके पास ऑड आए या प्राइम नंबर आए, क्योंकि ऐसे भी तो होंगे जो ऑड और प्राइम के अलावा है, फॉर एग्जांपल 4 ना ऑड है ना प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि मैंने कार्ड उठाया या तो वो ऑड हुआ या वो प्राइम हुआ, ये प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। अब किस तरीके से निकालोगे आप, कॉन्सेप्ट इसका ये कि आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक कितने ऑड नंबर है। तो लिस्ट कर लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, मैं कहता हूं सब, तो क्योंकि इसमें जो चीज है वो बताने में फायदा होगा, 17 up to 19, इतने ज्यादा नहीं है। तो आप इसको कंसीडर कर लो, ये इवेंट जो है ये ऑड नंबर का, इवेंट ए नाम दे दिया। फिर इवेंट बी जो है नाम दो प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर्स का आप लोगों को आगे सबको पता होगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद अपने फैक्टर होते हैं। तो मिनिमम जो प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है और वो 1 है, 2 के दो फैक्टर है, 1 है 2 है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर है। तो उसका फॉर एग्जांपल हम प्राइम कह देते हैं। इवेंट बी क्या है कि प्राइम नंबर है, तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, अभी चाहो तो आगे लिख दो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बच्चों हैं अभी 3, 3, 3, 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी ये कितने हैं, 3, 3, 8 है। अब सवाल ये है कि आप पहचानोगे क्या इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है, ये बात आप लोग खुद समझ सकते हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि आप एक कार्ड उठाओ वो ऑड भी हो और वो प्राइम भी हो, ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 आ जाए, इवन भी ऑड भी है भाई, जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड ही तो होते हैं, 2 एक वाहिद इवन प्राइम नंबर है, बाकी तो सब ऑड प्राइम नंबर है सारे के सारे। फॉर एग्जांपल आपने कार्ड उठाया 17 आया, 17 इवन भी, 17 ऑड भी है, 17 प्राइम भी है। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें ये इवेंट एक साथ परफॉर्म हो रहे होंगे। अब क्या करोगे आप,
जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होते तो आप क्या करते हो, आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो उसमें से, ठीक है। तो पहले तो आपको बताना चाहिए ना इंटरसेक्शन में है कितने, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी। अब ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अच्छा, डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है ये आपको कैसे पता चलेगा, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखोगे इंटरसेक्शन है या नहीं है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। आप जरा देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या, भाई सारे ऑड नंबर इंटरसेक्शन है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो ये इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन डी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहां पर मेंशन कर दिया। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए, या तो अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल लो या एक साथ ही निकाल लेना, इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए और बी। किस तरह निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस क्यों करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, अगेन इंट्रोडक्शन में हर चीज मैंने बताई थी, दोबारा डिस्कशन है तो टाइम जाया होगा। अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, इसको आप यूनियन भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको अगर आप प्रॉपर, मैं यहां पे और लिख रहा हूं ना, तो इसके अंदर भी मैं एंड लिखता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एंड और ऑन का मतलब क्या होता है। अब आप डिफरेंट नोटेशन लिख दो, फॉर एग्जांपल आप इसके लिए यूनियन यूज कर लो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है ए के अंदर और ओवरऑल 20 है। फिर बी के अंदर कितने, 8 एलिमेंट है, ओवरऑल 20 है। जबकि माइनस ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट है, 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 20। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। आप क्या करना है भैया, आपने यहां पे एलसीएम आ जाएगा 20, 10 प्लस 8, 18, 18 माइनस 7, 11। पहले तो आप चलो अगर चाहो तो पूरा लिख लो, 10 प्लस 8 माइनस 7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11 अपॉन 20। तो ये पार्ट वन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट टू में लिखा हुआ है एन इवन नंबर और प्राइम नंबर। तो पार्ट नंबर टू को देखते हैं, एन इवन और प्राइम नंबर। सबसे पहले बच्चों इवन नंबर को डिफाइन करते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है लिखना, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। तो ये है भाई इवन नंबर। उसके बाद दूसरा क्या था, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपने अभी डिफाइन किया था, दोबारा लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब सवाल ये है कि क्या ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफा भी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एक इवेंट कॉमन है। अगर मैं यहां पे 2 वाला कार्ड उठाऊंगा तो फिर इवेंट ए भी परफॉर्म होगा, इवेंट बी भी परफॉर्म होगा, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के स्ट्रिक्ट खिलाफ चीज है कि दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म होगी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही नहीं सकते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होते ही है कि दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म ना हो। तो दैट्स व्हाई कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो है एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यहां पे कितने हैं, 2 है। इसके आगे जगह नहीं लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 10 ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे, 8 होंगे, और इंटरसेक्शन में आपने देख लिया 2 है। तो बच्चों अब वक्त आ गया कि इनकी भी प्रोबेबिलिटी निकालने का। अगेन या तो इवन आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए, और की कंडीशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ये क्या होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन की। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी बच्चों, 10 अपॉन 20। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 अपॉन 20। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 अपॉन 20, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर, सॉरी ये ए की होगा, इंटरसेक्शन के अंदर ए की आएगा। तो सॉल्व करो 20, 10 प्लस 8 माइनस 1, तो यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 17 अपॉन 20। और ये बात सेंस भी बना रही है, जब आप इवन और प्राइम बोलोगे ना तो और की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट करीब होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के, मतलब दोनों को अगर आप ऐड करो ना, मतलब एडिशन के बहुत करीब है ना, ये बहुत ही कम वाला केस है, माइनस बहुत कम हो रहा है, जबकि यहां पे माइनस बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो
कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन चीजें काफी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपकी गिर जाएगी, जबकि यहाँ पे कॉमन नहीं, यहाँ पे काफी कैटेगरी को कवर किया गया है, यहाँ पे तो बहुत कम कैटेगरी को कवर किया है। अगर आप देखो 10-8 टोटल एलिमेंट कितने हैं इन दोनों में मिला के, 18-18 माइनस 11 एलिमेंट है इन दोनों सेट को मिला के, दिखने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन है 11 एलिमेंट ही, कॉमन इतने ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कौन कौन कितने एलिमेंट है 10+8=18, 18-1=17, यहाँ पे 17 एलिमेंट है, मतलब 20 में से 17 यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो इस इनको परफॉर्म करने के बाद बहुत आपके पास है ना कि इवन नंबर आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए, बहुत चांसेस है इसके, क्योंकि इनके अलावा 3 ही ऐसे नंबर है जो इनके अंदर शामिल नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी। अच्छा, अगर ये सवाल एमसीक्यूज में है तो आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी तो आप अलग अलग डिफाइन करके कर रहे होते हो ना, आप इनको डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट इस तरीके से कि आप इनको एक चीज कंसिडर करो, सम प्रिंसिपल लगाओ कि पहले के अंदर जितने एलिमेंट है प्लस दूसरे के अंदर जितने एलिमेंट है माइनस इंटरसेक्शन जो है, ये पूरा सेट बन जाएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे डिवाइड बाय 20 कर देना, मतलब इतने स्टेप से बच जाओगे अगर आप एमसीक्यूज में कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखो, आपको जहन में कैलकुलेट कर सकते हो एमसीक्यूज में, अगर सवाल है आप बोलोगे भाई 10 ऑड नंबर होते हैं, अच्छा प्राइम नंबर कितने 8 होते हैं, इनके दरमियान कॉमन कितने हैं, भाई इनके दरमियान कॉमन 7 है, टोटल कितने एलिमेंट है 11, जैसे ही आपको पता चले इसके अंदर 11 एलिमेंट है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 11/20 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इस चीज को ये जो ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो और डिवाइड बाय 20 करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो सॉल्यूशन दो स्टेप का भी हो सकता है, लेकिन जब ये 5 नंबर के अंदर सवाल आ रहा है और आपकी बुक में पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस है, तो आपको कॉन्सेप्ट के जरिए से पूरा सॉल्व करके इसको आंसर निकालना।